हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा रोमांस मूवी को, जिसे साल 1997 में रिलीज किया था, जिसका नाम है ललिता, जिसे डायरेक्ट किया था एड्रियन लिन ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 6.9 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी गाड़ी चलाते हुए नज़र आता है, जिसका नाम है हम्बर्ट, और उसके चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ होता है। उसके हाथों में सेफ्टी पिन है। यहाँ पर फिल्म का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं हम्बर्ट फ्रांस में रहता है और उसकी एज 14 साल की है, और उसकी एक पड़ोसन है जिसका नाम ललिता होता है, उसकी भी एज 14 साल होती है। हम्बर्ट को ललिता से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है ललिता को एक बीमारी है, और उस बीमारी की वजह से ललिता की मौत हो जाती है, और वो बहुत रोता है और उसे भूल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं हम्बर्ट बड़ा हो चुका है और उसे एक टीचर की जॉब मिली है, इसलिए वो इंग्लैंड चला जाता है। हम्बर्ट अपनी कहानी पर एक बुक लिखना चाहता है, इसलिए वो अपने अंकल के साथ रहने की सोच लेता है। हम्बर्ट जब अंकल के साथ अपने घर चला जाता है, तब उनका घर जल के राख हो जाता है। तब उनके अंकल कहते हैं, मेरा एक दोस्त है, और अंकल हम्बर्ट को अपने दोस्त के पास भेज देता है। वो कहते हैं उनका दोस्त मर गया है, लेकिन उनकी वाइफ और उसकी एक बेटी वहाँ रहते हैं। उस घर में एक रूम खाली है, इसलिए वहाँ रूम आसानी से मिल जाएगा। हम्बर्ट अपना सामान लेके उस पते पर चला जाता है। वहाँ पर उसे मिलती है स्कारलेट। स्कारलेट उसे कमरा दिखाती है। फिर हम्बर्ट रूम में चला जाता है। वो देखता है रूम के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है, और वो उसे पसंद नहीं आता, और वो अपसेट हो जाता है। अब वो जाना चाहता है, लेकिन स्कारलेट को वो अच्छा लगता है, और वो उसे जाने से मना करती है। स्कारलेट कहती है, एक और जगह दिखाती हूँ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लोग घर के पीछे गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ हम्बर्ट को एक लड़की दिखाई देती है। स्कारलेट कहती है, ये मेरी बेटी है और इसका नाम लोरू है। हम्बर्ट खुश हो जाता है, क्योंकि हम्बर्ट की जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो सेम इसी की तरह थी। हम्बर्ट कहता है, मैं यहीं पर रहूँगा। अगली सुबह हम्बर्ट पेपर पढ़ रहा होता है, तब वो लॉरा को चुपके से देख रहा होता है। हम्बर्ट उसे ललिता के नाम से बुलाता है। शाम को हम्बर्ट टाइपिंग करते हुए नज़र आता है। वहाँ पर टाइपराइटर की आवाज़ आती है, इसलिए ललिता को नींद नहीं आती, और ललिता उसके पास आ जाती है। वो कहती है, तुम्हारे टाइपराइटर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, और वहाँ से निकल जाती है और किचन में जाकर आइसक्रीम खाती है। अगले दिन वो फिर से हम्बर्ट के पास आ जाती है। हम्बर्ट बुक लिख रहा होता है। उससे कहती है, क्या तुम्हें कभी नींद नहीं आती, और वो धीरे धीरे उसके पास चली जाती है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पर कोई पिंपल नज़र आ रहा है। हम्बर्ट कहता है, नहीं, तुम्हारे चेहरे पर कोई पिंपल नहीं है, और तुम बहुत खूबसूरत हो। तब ललिता अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर उसकी डायरी पर चिपका देती है। उसी वक्त स्कारलेट उसको आवाज़ देती है। ललिता फटाक से निकल जाती है। जब स्कारलेट रूम में आती है, हम्बर्ट तुरंत वो च्युइंगम मुंह के अंदर डाल लेता है। वो कहती है, क्या ललिता यहाँ पर आई थी। वो कहता है, नहीं, यहाँ पर नहीं आई। फिर हम देखते हैं स्कारलेट ललिता से कहती है, हम्बर्ट के लिए खाना लेकर जाओ। तब ललिता खाना लेकर हम्बर्ट के पास आती है। तब वो कहती है, मैंने तुम्हारे सारे कुकीज खा लिए, मॉम को मत बताना। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं स्कारलेट ललिता से कहती है, हमें चर्च जाना है, तुम रेडी हो जाओ। ललिता कहती है, बूढ़े लोग चर्च जाते हैं, बच्चे नहीं। ललिता को चर्च जाना पसंद नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं वह तीनों एक झूले पर बैठे होते हैं। वहाँ पर ललिता हम्बर्ट को परेशान करती है। स्कारलेट को ये पसंद नहीं आता। वह चाहती है ललिता यहाँ से चली जाए और मुझे हम्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। फिर स्कारलेट की शैम्पेन ख़त्म हो जाती है और वो शैम्पेन लेने के लिए जाती है। उसी टाइम ललिता कहती है, शायद मेरी मॉम तुम्हें पसंद करने लगी है और वो तुम्हारी बात मानेगी। उसे कहो कल हम लेक जाएंगे, और मुझे लेक जाना पसंद है। इसके बाद वो अपने दांतों का तार निकालकर उसके ग्लास में डाल देती है। फिर स्कारलेट वहाँ पर आ जाती है और वो शैम्पेन डालने के लिए हम्बर्ट के पास जाती है। उसी टाइम वो तार निकालकर ललिता के मुँह में डाल देता है। ललिता हम्बर्ट को परेशान करती है। स्कारलेट को ये पसंद नहीं आता और वो ललिता की डॉल फेंक देती है। फिर ललिता गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वो रेडियो प्ले करके डांस कर रही होती है। फिर स्कारलेट हम्बर्ट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है, और वो बार बार ललिता का डांस देख रहा होता है, क्योंकि हम्बर्ट को स्कारलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन ये तीनों लेक पर जाते हैं। वहाँ पर स्कारलेट हम्बर्ट से कहती है,
मैं घर के काम के लिए एक मेड रख रही हूँ और वो ललिता के रूम में रहेगी। वो शॉक हो जाता है। वो कहता है फिर ललिता कहाँ रहेगी। स्कारलेट कहती है मैं ललिता को कुछ दिनों के लिए समर कैंप भेज रही हूँ। वो बहुत ही बिगड़ गई है। अगले दिन स्कारलेट ललिता को भेजने के लिए एक लेटर लिखती है। ललिता मना करती है लेकिन स्कारलेट कहती है तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। वो कहती है हम्बर्ट का भी यही कहना है, तुम बोर्डिंग स्कूल चली जाओ। उसके बाद ललिता हम्बर्ट को मारती है। वो उसे कहती है तुम धोखेबाज हो और वहाँ से निकल जाती है। जब वो गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे होते हैं तब ललिता मेड के गले मिलती है। उसी वक्त हम्बर्ट उसे खिड़की से देख रहा होता है और वो भागकर उसके पास चली जाती है और उसके गले मिलती है। ललिता उसको किस करती है और फिर वो चली जाती है। ललिता के जाने के बाद हम्बर्ट को बुरा लगता है। हम्बर्ट उसके कबर्ड के पास चला जाता है और उसके कपड़ों को सूंघते हुए नज़र आता है। उसी वक्त मेड वहां पर आ जाती है और कहती है स्कारलेट ने ये लेटर आपको देने के लिए कहा है। उस लेटर में लिखा होता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते हो तो ये घर छोड़कर चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मुझे ना करके भी मेरे साथ रहो, तब मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरा दिल टूट जाएगा। और अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो सोचता है अगर मुझे ललिता के साथ रहना है तो मुझे स्कारलेट से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ललिता से बहुत प्यार करता है। और फिर वो शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट एक बुक पढ़ रहा होता है और वहाँ स्कारलेट आ जाती है। फिर स्कारलेट की नज़र उसके ड्रोअर पर पड़ती है। फिर वो पूछती है इसमें क्या रखा है और तुमने इसे लॉक क्यों किया है। हम्बर्ट उसे कहता है इसमें लव लेटर हैं और वो हमेशा स्कारलेट को इग्नोर करता है। जब तक स्कारलेट सोती नहीं तब तक वो कोई ना कोई काम करता रहता है। हम्बर्ट कभी उसके साथ इंटीमेट नहीं होता। हम्बर्ट ने सिर्फ ललिता की वजह से उससे शादी की होती है। जब स्कारलेट सो जाती है तब हम्बर्ट वहाँ पर आ जाता है। वो उसके नज़दीक जाकर देखता है, वह चेक करता है वह सो रही है या जग रही है और वह उसके मुंह पर टॉर्च मारता है। उसे फिर भी यकीन नहीं होता। तब वह रेडियो ऑन करता है और उसके नज़दीक ले जाता है। उसके बाद वह सोने की कोशिश करता है। फिर अचानक स्कारलेट उसको किस करती है और फिर उसे ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होना पड़ता है। अगले दिन हम्बर्ट एक डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर से कहता है मुझे नींद की गोलियां चाहिए। डॉक्टर पूछता है किसके लिए चाहिए। तब वो इधर उधर का बहाना बनाता है। डॉक्टर समझ जाता है। वो कहता है मैं भी अपनी बीबी को यही गोलियां देता हूँ और वो सो जाती है। फिर हम देखते हैं हम्बर्ट घर पर आता है जहाँ स्कारलेट उसकी बुक पढ़ रही होती है। स्कारलेट उससे कहती है तुमने हमारी कहानी इस बुक में लिखी है और उस बुक में तुमने मुझे भैंस कहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। वो कहती है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम एक राक्षस हो, तुम ना ही किसी के पति बन सकते हो और ना ही किसी के पिता। वो कहती है मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, चाहे तुम इस घर को रख लो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हम्बर्ट उससे कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ और ये सब उसके कैरेक्टर हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाकर लाता हूँ। जब वो ड्रिंक बनाकर लाता है तब उसे एक कॉल आ जाता है। उस कॉल पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बीबी का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन हम्बर्ट कहता है मेरी बीबी तो घर पर है। वो जब स्कारलेट के पास जाता है तब स्कारलेट उसे नज़र नहीं आती। वो जल्दी से भागकर रोड की तरफ जाता है। फिर उसे वहाँ बहुत भीड़ नज़र आती है। वो जाकर देखता है। फिर ड्राइवर उसे बताता है वो अचानक मेरी कार के सामने आ गई। फिर पुलिस वाला हम्बर्ट से पूछता है ये सच में तुम्हारी बीबी है या नहीं। जब वो उसे देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है और वो हम्बर्ट को बहुत सारी चिट्ठियाँ देकर वहाँ से चली जाती है। हम्बर्ट घर में चला जाता है और चिट्ठियों को जला देता है। फिर हम देखते हैं हम्बर्ट खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अकेला है। वो सोचता है अब मेरे और ललिता के बीच कोई नहीं आ सकता और वो जल्दी से बैकपैक करके ललिता को लेने के लिए समर कैंप चला जाता है। हम देखते हैं ललिता वहाँ पर आ जाती है। फिर हम्बर्ट और ललिता वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ललिता अपने कपड़े चेंज करती है और वो हम्बर्ट से कहती है तुमने मुझे याद नहीं किया। वो उसे कहता है मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। ललिता उसे कहती है अगर सच में तुम मुझे याद करते थे तो समर कैंप भेजने की सलाह नहीं देते। फिर ललिता उसे कहती है जब मैंने तुम्हें किस किया तब तुमने मुझे किस नहीं किया। और ललिता उसकी गोद में बैठ जाती है। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उनसे पूछती है यहाँ पर तुम्हें कोई ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई दी, उसमें क्रिमिनल था। ललिता उसे कहती है यहाँ पर किसी भी कलर की गाड़ी नहीं है। फिर वो पुलिस वाला उन्हें
देखकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं हम्बर्ट ललिता को एक होटल में लेकर जाता है और वहाँ पर एक कमरा बुक करता है। वहाँ पर ललिता एक कुत्ते को देखती है और वो कुत्ता उसे बहुत पसंद आता है। फिर कुत्ते का ऑनर उससे कहता है, क्या तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? ललिता कहती है, हाँ मुझे कुत्ते पसंद हैं। फिर वो ऑनर कहता है, अक्सर मेरे कुत्ते को लोग पसंद नहीं आते, वो उन्हीं को पसंद करता है जो उसे पसंद करते हैं। ललिता उससे पूछती है, आप क्या करते हो? फिर वो कहता है, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं एक राइटर हूँ। उसी वक्त हम्बर्ट उसे लेकर जाता है। ललिता उसे कहती है, क्या हम दोनों एक साथ सोएंगे? हम्बर्ट हाँ में जवाब देता है। ललिता कहती है, अगर माँ को पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम्बर्ट वहाँ पर बहाना बनाता है कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि दो रूम लें। जब वो दोनों होटल में डिनर कर रहे होते हैं तब ललिता उससे कहती है, जहाँ पर वो आदमी बैठा है वो एक राइटर है। हम्बर्ट उसे कहता है, तुम उसे कैसे जानती हो? ललिता कहती है, जब मैं कुत्ते के साथ खेल रही थी तब उसने मुझे बताया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं ललिता जागी हुई है और हम्बर्ट जब आँखें खोलता है तब वो उसे किस करने लगती है। फिर हम्बर्ट मुस्कुराने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों गाड़ी में हैं और ललिता कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। और जब वो बाहर रुकते हैं तब ललिता कहती है, मुझे मॉम से बात करनी है। फिर हम्बर्ट उसे बताता है, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है और तुम उसे कॉल नहीं कर सकती। ललिता कहती है, मैं कॉल क्यों नहीं कर सकती? ललिता फिर पूछती है, तुम मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे? फिर हम्बर्ट उसे बताता है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है। और फिर ये आगे निकल जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं। वहाँ पर ललिता सोते समय रोने लगती है। रोते रोते वह हम्बर्ट के पास आ जाती है और वो उसे बाहों में भरकर लेट जाता है। फिर अगली सुबह ये गाड़ी में बैठकर फिर निकल जाते हैं और ललिता उसे बहुत परेशान कर रही होती है। फिर हम्बर्ट उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। हम्बर्ट उसे कहता है, मुझे स्कूल में नौकरी मिली है और अब हम यहीं रहेंगे और तुम्हारा एडमिशन भी इसी स्कूल में करा दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ललिता एक दिन कहती है, हमारे स्कूल में नाटक होने वाला है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। हम्बर्ट उसे पूछता है, क्या उसमें लड़के हैं? ललिता कहती है, हाँ। तब हम्बर्ट उसे मना कर देता है। ललिता धीरे धीरे उसके पास जाती है और उससे कहती है, मुझे इस नाटक में काम करना है, और उसके पैरों को सहलाती है। वो फिर से कहती है, मुझे इस नाटक में काम करने दो। फिर वह उसे हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं प्ले चल रहा होता है और वहाँ हम्बर्ट भी होता है। फिर हमें क्लेयर नाम का बंदा दिखाई देता है। हम्बर्ट एक लड़की को पूछता है, ये आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है? वो लड़की उसे बताती है, इसका नाम क्लेयर है और इसी ने इस नाटक को लिखा है। फिर हम देखते हैं स्कूल की प्रिंसिपल हम्बर्ट से कहती है, ललिता हद से ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। जब भी हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हैं वो सारे सवालों के जवाब दे देती है। इतनी कम उम्र में उसे ये सब बातें कैसे पता? हम्बर्ट हैरान हो जाता है और कहता है, मैं उससे बात करूँगा। फिर उसे क्लियर का फ़ोन आता है। वो उसे ललिता के बारे में पूछता है। तभी हम्बर्ट उसे मना करता है और वो कहता है, यहाँ पर कोई ललिता नहीं रहती। वो ललिता से पूछता है, तुमने हमारा नंबर किसको दिया? वो बार बार यहाँ पर कॉल कर रहा है, उसका नाम बताओ। ललिता उसे इग्नोर करती है। हम्बर्ट उसे गुस्से से पूछता है, उसका नाम बताओ। फिर वो उसे थप्पड़ मार देता है। फिर ललिता उसे कहती है, मेरी मॉम की तरह मुझे भी मार दो। फिर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। हम्बर्ट उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है लेकिन वो चली जाती है। हम्बर्ट उसके पीछे जाता है। थोड़ी देर में ललिता उसे एक होटल में नज़र आती है। ललिता किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। जब हम्बर्ट अंदर जाता है तब ललिता तुरंत काट देती है और बाहर निकल जाती है। हम्बर्ट पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी? ललिता उसे इग्नोर करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और उसे ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए कहती है। फिर हम्बर्ट उसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ललिता उसे माफ़ कर देती है। फिर हम देखते हैं जब ये लोग घर पर होते हैं तब हम्बर्ट उसे कहता है, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब ललिता अपने कपड़े उतारती है और उसके पास चली जाती है। वो हम्बर्ट से कहती है, मुझे बेड पर लेकर जाओ। और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग सोचते हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, और ये लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। फिर ललिता कहती है, मुझे बहुत सारी जगह घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगे? हम्बर्ट कहता है, हम ज़रूर घूमेंगे। फिर हम्बर्ट देखता है कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वो ललिता से कहता है, गाड़ी का नंबर नोट करो। आगे जाकर ये लोग एक स्टोर पर रुकते हैं। जब वह स्टोर के अंदर होता है तब वो देखता है ललिता किसी के साथ बात कर रही है। जब वो बाहर आता है लेकिन तब तक वो आदमी चला गया होता है। वो ललिता से पूछता है कि वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। वो कहती है, मुझसे एड्रेस पूछ रहा था। फिर वो जब आगे जाते हैं तब वो देखता है वह गाड़ी फिर से उसका पीछा कर रही है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरता है और उस गाड़ी की तरफ भागता है। फिर वो गाड़ी धीरे धीरे रिवर्स हो जाती है। फिर हम्बर्ट देखता है उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो भाग कर जाता है और ललिता से कहता है, जल्दी से हैंड ब्रेक लगाओ। फिर हम देखते हैं वो ललिता से उस गाड़ी का नंबर पूछता है। ललिता वो पेपर निकालकर उसको दे देती है। ललिता ने जानबूझकर उस पेपर को गंदा किया होता है ताकि उसे पता ना चले उस गाड़ी का नंबर क्या है। हम्बर्ट गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और ललिता गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। हम्बर्ट उसके पीछे पीछे चला जाता है
और उसको पकड़ लेता है, मुझे माफ़ कर दो, और उसे कन्वेंस करके ले आता है। आगे जाकर ये होटल में रुकते हैं, वहाँ पर रेस्ट करते हैं। फिर अम्बर्ट उससे कहता है, मैं शेविंग करने बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें बाहर से कुछ चाहिए? वो कहती है, मुझे केला चाहिए। फिर अम्बर्ट दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। शेविंग करने के बाद जब वो रूम में आता है तब वो देखता है ललिता के पैर मिट्टी में गंदे हुए हैं। अम्बर्ट उससे पूछता है, क्या तुम बाहर गई थी? ललिता उससे कहती है, तुम्हें गए हुए बहुत देर हो गई थी, मैं तुम्हें बाहर देखने के लिए गई थी, इसीलिए मेरे पैर गंदे हो गए। फिर अम्बर्ट की नज़र उसकी लिपस्टिक पर जाती है और वो उससे पूछता है, बताओ कौन था जिससे तुम मिलने गई थी? फिर अम्बर्ट उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। रात को सोते टाइम उसे भयानक से सपने आते हैं। वो देखता है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं और वो ललिता को उससे दूर करने आया है। फिर वो उन्हें मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो ललिता को लेकर निकलने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं ललिता के पेट में दर्द हो रहा होता है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हम्बर्ट डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे वायरल इन्फेक्शन है। डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम उसके पास रुकोगे तो ये इन्फेक्शन तुम्हें भी हो जाएगा। फिर हम्बर्ट अगली सुबह हॉस्पिटल में कॉल करता है और वो ललिता से बात करने के लिए कहता है, लेकिन नर्स उसे बताती है कल रात ललिता के अंकल यहाँ पर आए थे और वो उसे लेकर गए। फिर हम्बर्ट गुस्से में हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को मारता है। वो उससे पूछता है, बताओ ललिता कहाँ पर है? हम्बर्ट वहाँ पर बहुत हंगामा करता है। फिर एक नर्स पुलिस को कॉल करती है और जब हम्बर्ट खिड़की से पुलिस को देखता है तब वह शांत हो जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम्बर्ट बहुत परेशान हो जाता है और सारे एरिया के होटल की जाँच करता है। फिर ललिता को खोजते हुए 3 साल निकल जाते हैं और एक दिन ललिता का लेटर आता है। वो कहती है, मैंने शादी कर ली और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? फिर अम्बर्ट ललिता के घर पर चला जाता है। जब वो ललिता को देखता है वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर दोनों बातें करते हैं। ललिता उसे अपने हस्बैंड को दिखाती है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? हम्बर्ट उसे मना कर देता है। फिर वो उसे कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। फिर ललिता कहती है, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? मैं क्लेयर के साथ गई थी, उसने मुझे ले जाकर फिल्मों में काम करने के लिए कहा। ललिता उसे बताती है, क्लेयर छोटी छोटी लड़कियों को ले जाकर फिल्म बनाता था और उनसे पैसे कमाता था, लेकिन मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे इनकार किया और वहाँ से निकल आई। उसके बाद मुझे एक लड़का मिला और मुझे उससे प्यार हो गया, फिर मैंने उससे शादी कर ली। मेरा पति बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर अम्बर्ट उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? ललिता कहती है, अगर मैं मना करूंगी क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? अम्बर्ट कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, और वो पैसे निकाल कर ललिता को दे देता है। ललिता कहती है, ये तो $4,000 हैं, तुम सच में मुझे इतने पैसे दोगे? अम्बर्ट कहता है हाँ। वो उससे फिर से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? ललिता उसे मना करती है, वो कहती है, तब मेरी मजबूरी थी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। हम्बर्ट बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। फिर वो कहता है, मुझे अब निकलना चाहिए। वहाँ से निकलकर वो सीधा क्लेयर के घर जाता है। क्लेयर उसे देखता है और इग्नोर करता है। हम्बर्ट को लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं और वो उसके पीछे पीछे जाता है। फिर क्लेयर उससे कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? फिर हम्बर्ट उसे बताता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं जानते? मैं ललिता का पिता हूँ और तुमने उसे मुझसे छीनकर बहुत बड़ी गलती की। क्लेयर उससे कहता है, ललिता तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुम उसके सौतेले बाप हो और तुम उसके साथ इंटीमेट भी होते थे और तुम्हें बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं। हम्बर्ट गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है। क्लेयर उसे समझाता है, वह कहता है, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और मुझे छोड़ दो। हम्बर्ट कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया? लेकिन क्लेयर उसे कहता है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। क्लेयर उस रूम से भागने लगता है और हम्बर्ट उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो और गोलियां डालता है और क्लेयर को मार देता है। फिर वो वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन हम्बर्ट सदमे में होता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर वो देखता है पुलिस आगे उसका रास्ता रोक रही है। फिर वो अपनी गाड़ी घुमाकर एक गाँव की तरफ ले जाता है। फिर वहां पर उसे कुछ बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उनमें ललिता की आवाज़ नहीं होती। वो बहुत दुखी होता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। हमें इसके बाद कुछ लिखा हुआ दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, हम्बर्ट 16 नवंबर 1950 में मर जाता है और ललिता भी 1950 में अपने बच्चे को जन्म देकर मर जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।